तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटेश्वर राव नाम के एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क के जू में एक टाइगर के कोरोना वायरस पॉजिटिव परीक्षण के बाद अपनी बकरियों पर लगाए मास्क। कहा, मेरे पास 20 बकरियां हैं और मेरा परिवार पूरी तरह से उन पर ही निर्भर है। शोएब अख्तर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय सीरीज के प्रस्ताव को कपिल देव ने नकारते हुए कहा, भारत को पैसे की जरूरत नहीं है या क्रिकेट मैच के लिए जान जोखिम में डालने लायक नहीं है। सिंगर कनिका कपूर लखनऊ के PGI अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटी घर, इन दिनों होम क्वारंटाइन में है। कनिका पर अब कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी छिपाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। कोरोना के प्रकोप के बीच सोनू सूद की ओर से बड़ी पहल, मेडिकल स्टाफ के लिए खोले अपने मुंबई जुहू होटल के दरवाजे। कहा, देश भर के मेडिकल कर्मचारियों के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण। गोवा में फंसे 330 ब्रिटिश नागरिकों को लेकर टाइटन एयरवेज की एक विशेष उड़ान बुधवार को गोवा के हवाई अड्डे से हुई रवाना। फ्लाइट को ब्रिटिश दूतावास द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया था। जया बच्चन के जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन ने जताया आभार, सभी को कहा धन्यवाद और दी अपनी शुभकामनाएं। बता दें कि जया बच्चन गुरुवार को 72 साल की हो गई। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के उत्पाद को जारी रखने के लिए कच्चे माल के निर्यात की अनुमति देने के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने केजरीवाल सरकार से पूछा, दिल्ली के कोरोना मामलों में मरकज वालों का आंकड़ा क्यों लिखा जा रहा अलग। उन्होंने कहा, संप्रदाय के आधार पर अलग किए गए कॉलम को जल्द हटाएं, इससे मुस्लिमों पर हो रहे हमले। आज कोरोना वायरस के 100 दिन पूरे होने पर WHO के डायरेक्टर जनरल ने ट्वीट कर साझा की एक वीडियो क्लिप और बताएं अब तक के आंकड़े। This is not one of those moments at all. This is a moment for pretty much the opposite. For hiding, for laying low. Napping is also good. Saving humankind by really, really not getting near it. We're playing games, staring at screens, staring at anything. All are the stuff of heroes. Every generation has its moment where individual sacrifice makes way for the good of those who will come after. A higher purpose. This one is ours.